और मोदी डकैत हैं, डकैत डकैत है। हाँ, और ये जो है कर्मचारियों का पैसा काट काट करके आज पेट भर रहे हैं अपना, अब पेंशन वाले का पेट भर रहे हैं अपना। ये तो मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी करने जाओ, मोदी तो डकैत है, ये तो देश का प्रधानमंत्री के कहेगा 56 इंच के, हाँ 56 हो जाए 48 की इनको। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है, बीजेपी चोर है, झूठों की बाल्टी है, झूठा नंबर वन नहीं चलाए पे भाई, पप्पू अमेठी नहीं चलाए पे, देश का चलाए पे यार। लिखा है अनपढ़ समान नहीं है, पढ़ा लिखा है मोदी। पप्पू अमेठी चलाएगा, पप्पू अमेठी चलाएगा, अमेठी राहुल चलाएगा, पप्पा हाँ राहुल गांधी चलाएगा अमेठी। अब किस स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी नहीं चलेगी। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फर्क है, वो तो चोर यहाँ है, उससे बड़ी चोर कहूँ ना मिली कौन, स्मृति ईरानी। देश देश बचाओ, मोदी भगाओ, मोदी क्यों भगाओ, देश बेच रहे हैं क्या होगा, क्या बेच दिए, टमाटर पाकिस्तान की हालत हो गया है, 200 रुपया किलो टमाटर हो गया है, मीठी पाकिस्तान किलो टमाटर हो गया, पूछ लो जो बेचते हैं, जो बेचते हैं टमाटर बेचते हैं। इससे अच्छा भैया सेब खरीद के खाओ, 140 रुपए किलो टमाटर क्यों खाओगे, अमेठी में टमाटर कैसे है, टमाटर बेचते हैं 160 रुपए किलो टमाटर है, 160 रुपए किलो, पाकिस्तान की तरह हो जा ही रहा है, पाकिस्तान हो जा ही रहा है, सब कुछ महंगा कर दे रहे हैं। पहले की भौकाल बता दें कि अमेठी के कोई भी बंदा भारत में किसी कोने से चला जाता था तो कहते हैं कसो राहुल गांधी के क्षेत्र से आवा, गांधी परिवार के क्षेत्र से आवा, अमेठी से आवा, भौकाल लगता, हाँ तो एक एक दूसरे का सम्मान मिलत रहा। अब यही आज चला जा कसो राहुल गांधी खरा दिया तू सब ई जेल पड़ा था। ये गांधी परिवार के आप में गढ़ में खड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कि गैस के दाम जब 400 में थे तो स्मृति ईरानी जी दिल्ली के किसी भी सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, किसी भी सड़क पर, उन्हें सर में महंगाई का विरोध करना चाहिए। नहीं नहीं, महंगाई का विरोध कहाँ नहीं कर रहे, राहुल गांधी को सांसद पद से निकलना पड़ रहा है, अपने घर को हटा, घर को छोड़ दिए बेचारे, तो राहुल गांधी कहाँ विरोध नहीं कर रहे, उनके कार्यकर्ता मार खा रहे हैं लाठी का। अमेठी की जनता के लिए लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं राहुल गांधी। अच्छा, अमेठी में आवाज ना उठाए होते तो HL ना होता, BHL ना होता, एंडोगल्प ना होता, संजय गांधी मुंशीगंज अस्पताल ना होता, यहाँ आर्मी की खुली भर्तियाँ होती थी जिसमें अमेठी के लोग की अकेली भर्तियाँ होती थी। ये गांधी परिवार की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अमेठी की बात कर लेते हैं, स्मृति ईरानी इधर आ जाइए थोड़ा, स्मृति ईरानी के किए वादे पे कितना वो खड़ी उतरी सांसद, ये वादा क्या करेंगी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वादा तो ये करती हैं हमेशा, ये नाटक करने का काम करती हैं हमेशा। हाँ, नाटक कहाँ से आई है, इनका राजनीतिक शुरुआत कहाँ हुआ उनके, आप ये सोचती हैं गांधी परिवार हमारा नाम ले हमारी TRP बढ़े, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। स्मृति ईरानी की TRP बढ़ती है गांधी परिवार, ये भैया ये अमेठी से लड़के पता नहीं कैसे जीत गई, वैसे ही देश में पूरे नाम हो गया कि भैया कहाँ से जीती अमेठी से, तो ये गांधी परिवार की देन है। अगर इनका नाम पहचान कहीं से बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। राहुल को तो यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया ना स्मृति ईरानी ने। भैया जब जीते हुए सांसद, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, जब जीते हुए सांसद को ये सांसद नहीं रहने दे रहे तो हराने में कितना टाइम लगेगा, आप दिमाग लगाइए। पहले की भौकाल बता दें कि अमेठी के कोई भी बंदा भारत में किसी कोने से चला जाता था तो कहते रहे कसो राहुल गांधी के क्षेत्र से आवा, गांधी परिवार के क्षेत्र से आवा, अमेठी से आवा, भौकाल लगता, हाँ तो एक एक दूसरे का सम्मान मिलत रहा। अब वहीं आप चला जा कसो राहुल गांधी खरा दिया तू सब ई जेल पड़ा था, बेइज्जती अभी, हाँ बिल्कुल बेइज्जती। जब इतना बड़ा नेता अमेठी से चला गया, अमेठी के लोगों की गलती नहीं है, यहाँ चुनाव, यहाँ इनका पैसा लड़ा है, प्रशासन लड़ा है, ये जो समाज में नहीं करना चाहिए, दारू हो गया, ऐसी चीज़ों को लाकर लोगों को खरीदने का इनका खरीद फरोख का काम है शुरुआत से, सरकार गिराना, तोड़ना, फाड़ना जो भी कर पाते हैं ये अपने पैसे से, अपने पावर से, अपने सत्ता से, इनका यही मकसद है करने का है। और मोदी डकैत हैं, डकैत डकैत है, हाँ, और ये जो है कर्मचारियों का पैसा काट काट करके आज पेट भर रहे हैं अपना, अब पेंशन वाले का पेट भर रहे हैं अपना। ये तो मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी करने जाओ, मोदी तो डकैत है, ये तो देश का प्रधानमंत्री के कहेगा 56 इंच के, हाँ 56 हो जाए 48 की इनको हो, इससे मतलब नहीं है। वेतन सरकार का कर्मचारियों का काट काट करके वेतन भर रहा है अपना, है मोदी मोदी नहीं, लड़कन जो है फार्म भरते हैं अब वो का जो है कैंसिल कर देते हैं, लीक हो गया, चलिए कहाँ से हो गया,
तो तुम ही लोग तो लीक कर रहे हो। सांसद आ गई, स्मृति ईरानी आ गई। स्मृति ईरानी मित है, गाली क्या डकैत किस है? यहाँ के स्कूल उठा लेंगे, यहाँ के बहुत कुछ उठा लेंगे, क्या है? कहते हैं राजू गांधी, राहुल गांधी क्या किया, क्या किया? कांग्रेस परिवार ने लूट लिया, लूट लिया कुछ नहीं। कांग्रेस का ये बजट है, कांग्रेस का बजट है। क्या किया है इन्होंने? कांग्रेस की देन है, दिन है, हाँ कांग्रेस का दिन है। क्या कह रहे? कांग्रेस की देन है अमेठी में सब कुछ। राहुल आए जी पप्पू, राहुल पप्पू है, राहुल पप्पू है, कांग्रेस देन है सब जो है, कांग्रेस देन है, राहुल पप्पू है। राहुल गांधी को लूटने वाले यहाँ के आदमी लूट रहे हैं। हाँ राहुल गांधी को लोग पप्पू कह रहे हैं। पप्पू पप्पू कहाँ जा, कुछ भी है वो खुद उनका पप्पू है, पढ़ा लिखा आदमी को पप्पू बना रहे हैं। इधर आई, इधर इधर आई रहा। एक मिनट भैया, कैसे हमारे देहाती में कहे, एक मिनट हमारे देहाती में कहे यहाँ कि अंधरऊ जो नहा बरे जाए पढ़ऊ चबा जाए। अब राहुल जितना बनावत है कौनो जाए का तो कमेंट ऐसा कह दिए सब लीव दे, जिसको कुछ बोलने का सलीका नहीं है। मोदी जी को बोलने क्या, क्या क्या बोलते हैं? मोदी जी को आता है बोलने, मोदी जी को आता है, मोदी जी को आता है। मोदी जैसा कोई है ही नहीं। मोदी का ये स्तर है कि अपने यहाँ अगर वो जाता है कहीं विदेश में तो खड़े होकर वहाँ पे राष्ट्रपति मंत्री जो है सलाम करते हैं। राष्ट्रपति दूसरा देश के लोग सलाम करता है, झूठ तो नहीं बोलता है राहुल, झूठ तो नहीं बोलता है, तो सब झूठ बोलता है। झूठ मोदी झूठ बोलते हैं और क्या? आपसे क्या झूठ बोलते हैं? और झूठ बोलते हैं। कोई योजना बताओ जो यहाँ पे आई हो धरातल पे, धरातल पे कुछ नहीं दिखा। 15 लाख, 15 लाख कब आए खाते में? इन्होंने किया था 2 करोड़ वादा किया था रोजगार देने के लिए, समझ में आ जाएगा। हाँ समझ में आ जाएगा, तो गदगद है। अरे कहने दो यार, आने आने दो समय। स्मृति ईरानी आ रही है कि जा रही है? यहाँ नहीं, यहाँ स्मृति ईरानी आ रही है कि जा रही है? स्मृति ईरानी बहुत बुरा हारेंगी अमेठी से। हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर देश बचाओ, हटाओ देश बचाओ। राहुल गांधी भाजपा हटाओ, क्या कहोगे? राहुल गांधी आ रहे हैं या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी तो पप्पू है, पप्पू कहाँ? 101% 101% दीदी स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी भी रहेगा। मोदी होगी, भाजपा हटाओ देश बचाओ, गुलामी हटाओ, भाजपा हटाओ, गुलामी हटाओ। स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी। आप कौन बता रहे बताइए? स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आरक्षण बचाओ राहुल गांधी, हाँ भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। वो कह रहे क्या जी कह रहे? संजय गांधी तनख्वाह पाओ तो बोलता है, बोलबा न करते। हाँ संजय गांधी तनख्वाह मिलता, हाँ तनख्वाह मिलता, उन्हें कहिए हटा राहुल। रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, ये सब समस्या। बड़े होते तो रोजगार कहाँ दिक्कत रही, महंगाई पर है। भाजपा 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 से कहाँ रहेगा बताइए? काम हुआ आप लोग के लिए? कैसा रहा काम? काम तो बहुत बेकार रहा इस यहाँ के कुछ लोगों के। मुक्त खोरी क्या है? राशन तो 5 किलो दे के जो है राशन, और 1 क्विंटल जो है इनका साढ़ चल रहा है। आप बताइए कहाँ का न्याय है? 5 किलो राशन दे रहे और 1 क्विंटल चढ़ जा रहा है, खेत चढ़ ही जा रहा है साढ़ भाई, कहाँ धान रोपनी हो पा रही है? आप बताइए, माइनस में चले गए, माइनस में किसान चला गया। अब दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अब की बार अगर यहाँ से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का, तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी? नहीं नहीं, जो कह रहे हैं मेरी सुनिए, 2024 में केवल मोदी होगा, बाकी कांग्रेस का कहीं नामो निशान न था, न है, न रहेगा। और बताइए, कांग्रेस का नाम है और रहेगा भी। राशन जो 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 5 किलो जो राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को, केवल 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 जो है गरीब लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं, अमीर लोग भी राशन लेते हैं। कृपया इसकी जांच होना चाहिए कि जिसके पास सरकारी नौकरियां हैं उनको राशन क्यों लेते हैं वो, और राशन इनका देने का क्या उद्देश्य है? जब से कोरोना लगा तब से राशन दे रहे हैं लगातार फेरी का। इनका राशन देने का मतलब यह है, पहले अंग्रेजों ने भी दिया, उसके बाद अंग्रेज जो आए जो अपने यहाँ हमारे इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भी फ्री का जो है सामान देना शुरू किया। तो 5 किलो राशन दे के देश को गुलाम करना चाहते हैं। अच्छा। और क्या इनकी मुफ्तखोरी का कांग्रेस आजाद दिला रही है? कांग्रेस नहीं, बीजेपी ने आजाद दिला दिया मुफ्तखोरी का। जिस दिन राशन इन्हें हटा देंगे उस दिन इनके जो खाता नहीं खुलेगा लोकसभा में, इनका लोकसभा का खाता नहीं खुलेगा, लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा जिस दिन राशन हटा देंगे। और मुद्दा क्या होगा युवाओं के लिए? रोजगार, 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 रोजगार है। आपके लिए क्या होगा? रोजगार। अच्छा, ये जो हिंदुत्व बीच में आ जाता है उसमें क्या कहेंगे? नहीं ये तो हिंदू तो अपने जगह है, हिंदू तो अपने जगह है, लेकिन रोजगार जो ठेके पे संविदा आउटसोर्सिंग पे रख रहे हैं, 5,000 पे नौकरी कर, 5,000 पे नौकरी करवा रहे हैं, हाथी खराब है और क्या, एकदम बेकार है। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे उन्हें बोलने दीजिए यार आप। अपने 5,000 रुपए पे आउटसोर्सिंग पे भर्ती करते हैं, 1 साल का अनुबंध होता है, उसके बाद
इनका जियो जो है 8 लाख रुपए का जियो। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? जी हाँ पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे हैं, अरे उन्हें कहने दीजिए। अरे पढ़े होते हैं 5,000 नौकरी नहीं करते हैं भाई। पढ़े नहीं है। अरे जो बताएं, वैकेंसी आई, वैकेंसी आई, 10,000 कर्मचारी थे। क्या हुआ? भाजपा सरकार जब लोग जब 2014 में भर जाता है, वैकेंसी निकालते हैं और वो का लीक कर देते हैं, उनका पेट भर जाता है। स्टेशन बने, आप जाके देखिए जो है। भाई मैंने इस काम न चले, रोजगार चाहिए युवा कमेटी। भाई बाहर देख लीजिए, युवा के रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तब वो आगे बढ़ी। रोजगार? हाँ बेरोजगार है अमेठी के। हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे भैया आय के क्वालिफिकेशन देख लिया का वहा है, है ना भैया? अमेठी की युवा को रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार बीजेपी नहीं दे पा रही है। नहीं है बीजेपी में रोजगार नहीं। हाँ बाईपास बनने पर टोल टैक्स लगता है, जनता की पैसे का बाईपास बनता है, उसमें सरकार कोई देन नहीं। विकास में नहीं जोड़ेंगे इसको? विकास में क्या जोड़ना है, जब टोल टैक्स दे रहा है, जब टोल टैक्स हम सब दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी लग रही है, तो उसमें क्या? अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए? आपके अच्छे दिन आए। और अच्छे दिन आ गए? चलिए आपके अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन है, आपके अच्छे दिन आए। गांड की बनियान उतर गई है, अच्छे दिन आ गए हैं। गांड पे बनियान चड्डी नहीं है, बनियान नहीं है। ओवर नहीं करते, अंडरवियर हो तो पहने ही। अंडरवियर होता भी, अंडरवियर भी नहीं है, बनियान भी नहीं है, अंडरवियर पहने वो भी नहीं है। अंडरवियर पहने गाड़ी बनियान नहीं होता है, गाड़ी बनियान है, शरीर शरीर बनियान नहीं है, अंडरवियर होता है। अंडर मोदी मोदी कर रहे हैं गांड पे जो है कपड़ा। बोलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका। वो चड्डी है वो बनियाइन है, वो चड्डी है वो बनियाइन है। मतलब क्या कह रहे हैं? चोर है बीजेपी, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है, बीजेपी चोर है, झूठों की पार्टी है, झूठा नंबर वन। नहीं चलाए पे भाई पप्पू अमेठी, नहीं चलाए पे देश का चलाए पे यार। लिखा है अनपढ़ समान नहीं है, पढ़ा लिखा है मोदी। पप्पू अमेठी चलाएगा, पप्पू अमेठी चलाएगा, अमेठी राहुल गांधी पप्पा राहुल गांधी चलाएगा अमेठी। अब की स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी नहीं चलेगी। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फर्क है। स्मृति ईरानी का काम बताओ। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फर्क है। वो तो चोर यहाँ है, उससे बड़ी चोर कहूँ ना मिली कौन? स्मृति ईरानी। देश देश बचाओ, मोदी भगाओ। मोदी क्यों भगाओ? देश बेच रहे हैं तो क्या होगा? क्या बेच दिए? टमाटर पाकिस्तान की हालत हो गया है, 200 रुपये किलो टमाटर हो गया है। अमेठी पाकिस्तान हो गया, किलो टमाटर हो गया। पूछ लो जो बेचते हैं, जो बेचते हैं टमाटर बेचते हैं। इससे अच्छा भैया सेब खरीद के खाओ, 140 रुपये किलो टमाटर क्यों खाओगे? अमेठी में टमाटर कैसे है? टमाटर बेचते हैं 160 रुपये किलो टमाटर है, 160 रुपये किलो। पाकिस्तान की तरह हो जा ही रहा है, पाकिस्तान हो जा ही रहा है, सब कुछ महंगा कर दे रहे हैं। सिलेंडर मोदी मोदी कर रहे हैं ना, टमाटर कभी ना खरीदते होंगे। मोदी मोदी करते हैं ना, टमाटर कभी नहीं लिए होंगे। बस वही मोदी मोदी कर रहे हैं टमाटर से। जाए घर में खाने चटनी ना हो। तो यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, सबकी अपनी अपनी राय रही, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रख दी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, फिर नए किसी लोकसभा में जाएंगे और आपको यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। फिलहाल अभी अमेठी में मौजूद है, कुछ दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बन रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।